आने वाले दिनों में पढ़ाई के लिए बच्चों को बिहार के बाहर पलायन करने की स्थिति नहीं बने कि बजट के प्रति पहले से नकारात्मक सोच बनाए हुए हैं। जब तक हम मेडिकल कॉलेज नहीं बढ़ाएंगे, हम छात्रों को पढ़ने की व्यवस्था नहीं करेंगे, सीट नहीं बढ़ाएंगे, तब तक फीस का प्रॉब्लम रहेगा। और यूक्रेन मामले के बाद निश्चित रूप से इन विषयों पर सरकार विचार भी कर रही है। बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा ने कह दिया है कि अब बिहार के बच्चों को बिहार से पलायन नहीं करना पड़ेगा, यानी कि अब बाहर पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बिहार में ही वो तमाम साधन मिल जाएंगे। अब बात करें तो देखिए, जीवेश मिश्रा ने आज कहा है कि देश के आज़ादी के 70 साल के बाद भी मेडिकल संस्थान, इंजीनियरिंग कॉलेज, इन सभी जगहों पर काम नहीं हुआ है, इस क्षेत्र में काम नहीं हुआ है, लेकिन अब सरकार ध्यान देगी। देखिए, हाल के दिनों में यूक्रेन और रशिया के बीच जो युद्ध चल रहे हैं, उन अभी के बीच यूक्रेन में कई बिहारी बच्चे जो है मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं और कई बच्चे वहां फंस गए। लिहाजा अब बिहार सरकार ने भी कह दिया है कि अब बच्चों के लिए वो तमाम सुविधाएं बिहार में ही मिलेंगी ताकि उन्हें पलायन नहीं करना होगा, क्योंकि अब फी की भी बात की गई है कि फी भी अब कमेंगे, सरकार इस तरफ अब ध्यान देगी। सुनिए, जीवेश मिश्रा बिहार सरकार में मंत्री हैं और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए क्या कुछ कहा है उन्होंने। निश्चित रूप से बदलेगी और सरकार उस दिशा में काम भी कर रही है। देखिए, देश के आज़ादी के 70 वर्षों के बाद मेडिकल संस्थान, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, इस पर कम काम हुआ। इंजीनियरिंग कॉलेज में तो कुछ काम हुआ भी, मेडिकल के क्षेत्र में अगर आप देखिए तो इस देश में बिल्कुल काम नहीं हुआ। देश के अंदर जब माननीय नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री के रूप में बैठे तो उन्होंने निश्चय लिया कि हम देश के सभी जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। और आप देखे होइएगा कि पिछले 7 वर्षों में लगातार मेडिकल में पढ़ने का सीट बढ़ाया गया और नए नए मेडिकल कॉलेज खोले गए। प्राइवेट लोगों को भी मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रति उनको उत्साहित किया गया और बिहार में भी आज कई मेडिकल कॉलेज नए खुले हैं। अगर 2005 को अगर आप देखिएगा तो उस समय 4 से 5 मेडिकल कॉलेज थे, आज 18 मेडिकल कॉलेज बिहार के अंदर है। तो पहले हम मेडिकल कॉलेज खोलेंगे तभी संसाधित करेंगे बच्चों को पढ़ने के लिए, और इस दिशा में सरकार पूरी तत्परता के साथ काम कर रही है। आने वाले दिनों में पढ़ाई के लिए बच्चों को बिहार के बाहर पलायन करने की स्थिति नहीं बनी। सर, यहाँ फी बहुत ज्यादा है सर, तो जो फी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्या तो बहुत ज्यादा है फी? आज उस पर चर्चा भी हुई है और जहाँ तक संभव होगा, ये तो स्वास्थ्य मंत्रालय का मामला है और किन परिस्थितियों में फीस को कितना कम किया जा सकता है। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि फीस कम होना चाहिए ताकि अपने बच्चे अपने राज्य में पढ़ सके। लेकिन सर, प्रतिपक्ष बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि बजट इस बार जो है वो फ्लॉप है, बेकार है? प्रतिपक्ष ने बजट को पढ़ा नहीं, अगर पढ़ लेते ना तो ऐसी बात वो नहीं करते। अभी तक बिहार का ऐतिहासिक बजट पेश किया गया है, बिहार का सबसे बड़ा बजट पेश किया गया है, और बजट आया और बजट को घंटे भर पढ़ने के बाद कोई बयान दे देना, मतलब ये समझ में आता है कि बजट के प्रति पहले से नकारात्मक सोच बनाए हुए हैं। इस बार का बजट शानदार, जानदार बजट है और सभी वर्गों को प्रभावित करने वाला बजट है, ये कमाल का बजट। मेडिकल में फीस की कमी को लेकर जो आप लोग कह रहे हैं, किस तरीके से नीतीश जी ने कहा कि केंद्र का ये मुद्दा है? नहीं, देखिए, ये मुद्दा चाहे जहां का हो, अभी यूक्रेन के मामले के बाद मुद्दा देश का है, और यूक्रेन मामले के बाद निश्चित रूप से इन विषयों पर सरकार विचार भी कर रही है। मैंने पहले कहा, आप शायद उस समय नहीं थे, कि जब तक मेडिकल कॉलेज की संख्या हम नहीं बढ़ाएंगे, देश के आज़ादी के 70 वर्षों के बाद आप देखिए देश में कितने मेडिकल कॉलेज थे और पिछले 7 वर्षों में कितने मेडिकल कॉलेज खोले गए। जब तक हम मेडिकल कॉलेज नहीं बढ़ाएंगे, हम छात्रों को पढ़ने की व्यवस्था नहीं करेंगे, सीट नहीं बढ़ाएंगे, तब तक फीस का प्रॉब्लम रहेगा। जब सीट बढ़ेगा तो फीस घटेगा, और इस फॉर्मूले पे भारत की सरकार काम कर रही है। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर, अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे, ये प्रॉब्लम तो हर शहर में, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग।
ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।